रुक करते हैं रायसेन का, जहां पर दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आ रहा है और अब तक पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया है। यहां पर आपको बता दें, यहां पर भी सीएम शिवराज ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सिलवानी के खमरिया गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो यहां पर दो पक्षों के अंदर विवाद हो गया था और पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया है। तो सीएम शिवराज ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे और उसी के चलते ये कदम उठाया गया प्रशासन के जरिए। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता दिनेश कुमार चौरसिया जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी दिनेश, क्या कुछ बताएंगे? ये मामला भरेरी के शाम का बताया जा रहा है, शाम की घटना है। शाम को दो पक्षों में होली के शाम के बाद विवाद हुआ था, हल्की सी बात पर। विवाद धीरे धीरे दोनों पक्षों में इतना बढ़ गया कि एक दूसरे तरफ से लटबाजी, एक तरफ से थर्रे गोली चलाई गई, जिससे लगभग 40 लोग घायल हुए एक पक्ष के, दूसरे पक्ष के लोग भी कुछ घायल हुए हैं। इस घटना के दौरान एक की मौत हो गई है भोपाल में इलाज के दौरान। इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए तत्काल कड़ी कार्रवाई कराई और घायलों को देखने भोपाल हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ घायलों को भी 2-2 लाख रुपए की राशि एवं जो मृतक है उनके परिवार को 5 लाख की सहायता उपलब्ध कराई गई है और बाकी जो साधारण घायल है तो उनके लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता दी गई। जी दिनेश, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया था और पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चलाया है।